सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। फाइनली शाहरुख खान की एक और मच अवेटेड मूवी जवान का प्रीव्यू आ गया है। अब ये प्रीव्यू का पंगा क्या है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन ट्रेलर आना भी बाकी है और शायद प्रीव्यू इसलिए आया है ताकि जवान मूवी के हाइप को बनाया जा सके और फैंस को सरप्राइज करते हुए इस बार शाहरुख खान हमें एज ए हीरो नहीं बल्कि एज ए विलन देखने को मिलने वाले हैं और शायद एज ए टेररिस्ट देखने को मिले, क्योंकि प्रीव्यू में हमें काफी एक्शन देखने को मिल रहा है, खासकर इंडियन आर्मी का एक्शन है ज्यादा। और विजय सेतुपति की एक छोटी सी झलक भी हमें दिखाई गई है, मे भी वो हमें एज ए कॉप नजर आ जाएं। वही हमें नयनतारा भी एज ए कॉप देखने को मिलने वाले हैं और दीपिका पादुकोण का भी एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस देखने को हमें मिलने वाला है। वहीं का प्रीव्यू से ऐसा लग रहा है कि शाहरुख खान इस बार पूरी मेट्रो ट्रेन को हाईजैक करने वाले हैं, जहां वो सबसे अलग लुक में हमें नजर आ रहे हैं और एक साइको विलन लग रहे हैं। डर मूवी के बाद फिर से वो एज अ विलन हमें देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही फिल्म में आपको एक्शन की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलने वाली है। अगर आपको पठान मूवी में एक्शन की कमी लगी हो तो इस फिल्म में आपको एक्शन की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही इस फिल्म में दीपिका पादुकोण भी हमें देखने को मिलने वाली हैं और जो कि वो जबरदस्त एक्शन करते हुए हमें दिखाई दे देंगी और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करने वाली है और सितंबर के आसपास ऐसी कोई भी बड़ी फिल्म नहीं है और ऐसे में शाहरुख खान की जवान मूवी बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाली है। फिलहाल आपको शाहरुख खान का लुक और जवान का प्रीव्यू कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।